प्रदेश सरकार की जानिब से मदरसों के सर्वे के हुक्म के बाद दिल्ली में हुई जमीयत उलमा हिंद और मदरसों के जिम्मेदारों की मीटिंग में तीन अहम फैसले लिए गए। पहला, यूपी सरकार से मुलाकात की जाएगी। दूसरा, एक स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें महमूद मदनी, अरशद मदनी, नियाज फारूकी, हकीमुद्दीन कासमी, दारुल उलूम के मोहतमिम अबुल कासिम नोमानी समेत 12 लोग शामिल हैं। ये कमेटी मदरसों से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। और तीसरा, ये बात समझाई जाएगी कि मदरसे मुल्क की इमलाक हैं, न कि कोई बोझ। मदरसों का किरदार मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक अहम है। मीटिंग के बाद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मदरसों का रोल बहुत अहम है। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है। मदरसों का काम आपसी दूरी को खत्म करना है। हम मुल्क के लिए हैं, थे और रहेंगे। मदरसों के मामले में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा समझते हैं, ये मदरसे इस देश की असेट है, इस देश की सेवा के लिए। आम गरीब आदमी को, बच्चे को, जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं। कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है, उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में करीब 150 से ज्यादा मदरसों के जिम्मेदार लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा 24 सितंबर को देवबंद दारुल उलूम में भी एक अहम मीटिंग है जिसमें मदारिस के लोग आगे की हिकमत अमली बनाएंगे। मीटिंग में तय किया गया है कि जो भी मदरसों से जुड़ी हुई कमियां हैं उसको अपने स्तर पर दूर कर लिया जाए। इसके लिए सभी लोग सरकार को पूरी हिमायत देंगे। लेकिन अगर सरकार कमी निकालने और परेशान करने के मकसद से ही आगे बढ़ेगी तो फिर हम भी अपनी मुखालफत दर्ज कराएंगे। जो सरकार का जहां तक सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज, एक है लॉ का मिस यूज। अगर लॉ का यूज होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीजा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के खिलाफ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो कवानीन हैं इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज़ करेगी, तो हमसे ज़्यादा तावन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आँख की तो हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेररिज करना, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मदरसों के मामलों में लगातार हालात पेचीदा हो रहे हैं। आज़ादी के बाद इससे पहले कभी मदरसों पर ऐसा दौर नहीं आया, लेकिन इस चुनौती से निमटना भी मदरसा के जिम्मेदारान की ही जिम्मेदारी है। इससे निपटा कैसे जाएगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की क्यादत में हुई मदरसा मोहतमिम या फिर जिम्मेदारों की मीटिंग से एक बात साफ है कि मदरसा चलाने वाले लोग सरकार से उलझना नहीं चाहते, बल्कि वो इस पूरे मसले का हल चाहते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यकीनन और ज़्यादा जो मीटिंग है इस तरह की वो होगी। लेकिन इस सब का हल निकलेगा क्या, और जब सर्वे होगा तब क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखना होगा। कैमरामैन सौरभ रावल के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।